दिल्ली की कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना और उसके साथियों को बड़ी राहत दी है और उसे मकोका के इल्जाम से बरी कर दिया है। ये फैसला दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2015 में नीरज बवाना और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नीरज बवाना कौन है, तो आइए आज आपको इस वीडियो में नीरज बवाना की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। आज से करीब 18 साल पहले नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। नीरज बवाना के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज है। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। कहा जाता है कि नीरज जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। वहां बैठकर भी वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवानिया और दूसरे गैंग आमने सामने रहते हैं। जेल में बंद नीरज बवाना के गुर्गे बीच सड़क पर फोन बहाने से नहीं डरते। दुश्मन गैंग के लोगों को मारने से भी उन्हें कोई कुरेश नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे मोटे गैंग मौजूदा वक्त में सक्रिय है, लेकिन नीरज बवाना का गैंग इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग कहा जाता है। नीरज भले ही इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन नीरज बवाना के गुर्गे जेल से बाहर उसके एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। जरायम की दुनिया में नीरज बवाना का सिक्का चलता है। नीरज बवाना गैंग के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अभी उसका साथी रह चुका सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया नीरज बवाना का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन नीरज ने उसके गैंग के खास बदमाशों को मार डाला था। 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू दाबोदिया भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथों मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद नीरज बवाना और मजबूत हो गया। हालांकि इनके दुश्मनी के दौरान दोनों गैंग के करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली। अप्रैल 2014 में रोहिणीकोट परिसर में नीरज ने प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या की प्लानिंग की, लेकिन वो नाकाम हो गया। 25 अगस्त 2015 में पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से जेल वापस लेकर जा रही थी। जेल में नीरज के साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप भोला भी मौजूद थे। उसी बैंड में नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप की हत्या कर दी। अप्रैल 2017 में उसने रोहिणी जेल के बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश धुरमुट को भी मरवा दिया था। अब नीतू गैंग की कमान राजेश बवानिया के पास है, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है और नीरज बवाना का उसे दुश्मन कहा जाता है। जब पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का मामला चर्चाओं में आया था, तब उसकी हत्या का इल्जाम ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर लगा था। सागर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के फ्लैट में रहा करता था। कहा जाता है कि सुशील कुमार और सागर के बीच उस फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी दौरान सागर का कत्ल किया गया। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया था जब ये मालूम चला इस हत्याकांड में एक आपराधिक एंगल था। जांच में खुलासा हुआ कि सुशील कुमार और उनके साथियों ने जब सागर धनगढ़ पर हमला किया था, तब सोनू महाल नाम के एक शख्स को भी पीटा गया था। सोनू महाल दिल्ली और हरियाणा के कुख्यात बदमाश संदीप उर्फ काला जठेड़ी का भांजा। पुलिस के मुताबिक सोनू महाल के खिलाफ भी 19 मामले दर्ज है। इस केस में छानबीन आगे बढ़ी तो ऐसा नाम सामने आया कि पुलिस की जांच का एंगल बदल गया और वो नाम मशहूर गैंगस्टर नीरज बवाना का था। तफ्तीश के दौरान ये मालूम चला था कि सुशील और उसके साथियों ने सागर के साथ साथ अमित और सोनू महल की पिटाई की थी। इस काम के लिए रेसलर सुशील कुमार के साथ कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के गुर्गे भी आए थे। जब प्रख्यात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उससे पहले भी नीरज बवाना गैंग की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि मूसेवाला की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। हालांकि नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है, लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई उससे दिल्ली पुलिस के लिए एक मुश्किल तो जरूर है कि नीरज बवाना और उसके साथियों को कोर्ट ने मकोका के मामले में बरी कर दिया है।